नियम पालन करना ही सबसे बड़ी तपस्या है। ये दिनचर्या माता सबरी ने एक दिन भी निराशा नहीं पैदा की। गुरु ने कहा था प्रभु आएंगे, रोज वही दिनचर्या, रोज सोहनी लगाना, जल छिड़कना, पुष्पों के पावड़े डालना, फल आदि चयन करके प्रभु का इंतजार करना। रात हो गई, फिर प्रभु के चिंतन में विश्राम, फिर प्रातः वही करना। कितने वर्षों तक कभी नियमावली में त्रुटि नहीं पड़ी। तो जो गुरु प्रदत्त नियम है, सबरी मां को विश्वास था गुरुदेव के वचन झूठे नहीं होते। उन्होंने कहा है कि प्रभु आएंगे तो आएंगे प्रभु। वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष, दस वर्ष नहीं, बहुत लंबे समय तक उनको अविश्वास नहीं हुआ। गुरुदेव ने कहा है प्रभु आएंगे। गुरुदेव ने जो हमें नियम दिया है, या हमने गुरुदेव के लिए जो नियम धारण किया है, वो ऐसे फिसड्डी नियम नहीं होने चाहिए। वर्षा हुई तो हम गायब, सर्दी हुई तो गायब, अनुकूल समय है तो हम आकर के हाजिरी बजा रहे, नहीं। हमारी यही साधना है, जो नियम है उसमें यदि हमारे में चैतन्यता है, चलने की सामर्थ्य है, तो हम उपस्थित होंगे निश्चित। जब हम चल ही नहीं सकते तो बात अलग की। तो नियम से ही प्रेम पैदा होता है। भजन में जब तक नियम नहीं होता, तब तक भजन में आसक्ति नहीं होती। लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हमारे भजन में मन नहीं लगता, आप नियम से भजन करें। दिनचर्या आपकी टाइम से होनी चाहिए, जिस टाइम जो दिनचर्या उसी में, आप देखो उसमें आसक्ति हो जाएगी। और आसक्ति हो जाना ही भागवतिक दिनचर्या में भाव का प्रादुर्भाव करना है, भाव जागृत हो जाते हैं, विक्षेप आदि विघ्न स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उपासक जब नियम से ऐसे चलता है और भगवत लीला गुणगान या कीर्तन करता है, तो उसके अंदर ये भाव प्रकट होने लगते हैं। कभी उसका शरीर कंपायमान होने लगता है, कभी अश्रुधारा बहने लगती है, कभी रोम रोम पुलकित हो जाते हैं, कभी स्तंभ हो जाता है, शांत समाधिस्थ की तरह मानो कोई मूर्ति हो, कभी श्वेत पसीना, कभी स्वरभंग, लड़खड़ाने लगता है, राग बिगड़ जाता है, आवाज शुद्ध नहीं निकल पाती, गदगद कंठ, नयन बहनेरा, वैवर्ण शरीर का रंग बदलने लगता है, भाव और बढ़ा तो प्रलय मूर्छा भी आने लगती है। ये अष्ट सात्विक भाव उसके हृदय में प्रकट होने लगते हैं जो गुरु प्रदत्त उपासना को, दिनचर्या को नियम पूर्वक करता है। जब भाव प्रकट होने लगता है तो फिर अभिमान की गुंजाइश नहीं रह जाती है। ये भाव अभिमान को चूर कर देता है और वो दैन्य भाव से सदैव स्थित रहता है। निराभिमानता जैसे जैसे बढ़ेगी, वैसे वैसे आराध्य देव की समीपता का अनुभव होगा। यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई। जैसे जैसे तुम्हारा अभिमान गलित होगा, दैन्यता बढ़ेगी, वैसे वैसे तुम्हारे हृदय में भगवत सानिध्य का अनुभव होगा। मेरे प्रिया लाल मेरे पास है, ऐसा अनुभव होगा। जैसे जैसे ये अनुभव होगा, वैसे वैसे देह के संबंधी रिश्ते नाते, जाति कुल मर्यादा जगत का ये सब विस्मरण हो जाएगा, एक साथ सबका विस्मरण हो जाएगा। भगवत प्रेम में जगत की स्मृति की कोई भी जगह नहीं रहती, शरीर की स्मृति की कोई जगह नहीं रहती, भोग स्मृति की कोई जगह नहीं रहती। उसके हृदय में तो बस अपने प्यारे की स्मृति का राज्य होता है। हृदय स्मृति से भरा हुआ है, अपने प्रीतम की याद में डूबा हुआ है। प्रभु और माया, ये दो पक्ष हैं। प्रभु में हमें यदि डूबना है
तो संपूर्णतया माया का चिंतन त्यागना ही होगा, अनन्य चेताह बनना होगा, अनन्य चिंतन लाना होगा, अन्य चिंतन आने ही ना पावे। राग के कारण ही अन्य चिंतन हमारे हृदय में होता है। विषय तुम्हारे पास हो पर उसे भोगने की इच्छा ना हो, इसे वैराग्य कहते हैं। सब सामग्री, सब भोग आपके पास है पर भोगने की इच्छा नहीं, क्योंकि इच्छा तो प्रियालाल के चरणों में समर्पित हो चुकी है। जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो रहा है, उनका स्मरण, उनका रूप, उनकी लीला, या प्राप्त करने की प्रबल इच्छा है। प्रबल इच्छा में ही ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, प्रबल इच्छा में ही। और कहीं ये इच्छा मूर्तिमान स्वरूप धारण कर लिए है, अर्थात नाम चैतन्य घन होकर विराजमान है। अब लिखना नहीं पड़ रहा नाम, नाम विराजमान, रूप की झांकी हो रही, लीला रसास्वादन में डूब रहा है। अब उसे कौन सा विषय आकर्षित कर सकता है? पर इस रस तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर जो विषयों के प्रति प्रियता है उसे विचार के द्वारा नष्ट करना होगा। नहीं है सुख इनमें, चाहे जितना आप भोग लीजिए नहीं है। एक दिन रुकना ही पड़ेगा आपको, आज ही रुक जाइए, समय बर्बाद मत कीजिए। अपने चित्त को चिंतन में तल्लीन कीजिए प्रियालाल के, भोगों के चिंतन में नहीं। भगवत प्रेम के लिए वैराग्य अत्यंत आवश्यक है। वैराग्य सही माने में प्रेम में ही होता है। पहले स्थूल वैराग्य, प्रकट में वैराग्य, पर सूक्ष्म में महत्व बुद्धि बनी हुई है भोगों में, पर जब प्रभु का प्रेम प्रकट होता है तो वो भी नष्ट हो जाती है। अब चराचर जगत में अपने प्रीतम के सिवा और कोई इच्छा नहीं रह गई, अपने प्रीतम से बढ़कर कुछ अच्छा नहीं लग रहा, अब ये सच्चा वैराग्य है। इसके लिए कभी किसी से दो ये शब्द मत कहना, ये महापुरुषों के वचन है। दो ये कहना मृत्यु के समान है उपासक का, अगर ऐसे करता है तो या तो अपने महिमा को नहीं जानता कि जिस मार्ग में है, और या पाखंडी है। कहा वे मोर दासा करे तुच्छ नरन के आशा, तो कहो कहां रहा विश्वासा, ये विश्वास का मार्ग है। अरे मंगेबो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, अपने आराध्य देव की, अरे आराध्य देव से भी ठसक में रहे। जैसे बच्चा कहता मुझे दूध नहीं पीना, तो ये माँ की पीड़ा है, वो 100 बार मनाएगी और दूध पिलाएगी, क्योंकि माँ है। बच्चा माँ को झिड़क दे नहीं पीऊंगा दूध, वो फुसलाएगी, पी लो। माँ को इसमें क्या सुख है, वो उसका बच्चा है, पिलाना उसका कर्तव्य है। ऐसे ही अनंत ब्रह्मांडों का वो पिता है विश्वम्भर, और हम उसके दास हैं, उससे भी बेपरवार हैं, तो अपने आप हाथ से आके पवा जाएगा वो। जितना भी माँ में वात्सल्य है अनंत ब्रह्मांडों में, माताओं में, वो हमारे प्रभु के एक अंश से है। ऐसा वात्सल्य समुद्र कैसे तुमको, तुम उनके दास हो, कैसे तुमको आवश्यकता की वस्तु नहीं देगा, कैसे दास हो तुम, मांगते घूम रहे हो। दो ये शब्द कहना, आपके 5 शक्तियां उसी समय चली जाती हैं। ह्री, श्री, धी, ज्ञान और वैराग्य। आपका तेज, आपका ऐश्वर्य, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और वैराग्य, 5ों नष्ट हो जाते हैं मांगने वाले से। मांगने के संकल्प से ही तुम्हारे अंदर मलिनता आ जाएगी। इसलिए भगवत मार्ग के उपासक को मांगना बड़ा भारी पाप है। मांगना शब्द मृत्यु है, नहीं मांगना।